अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम के, बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माताजी यहां बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा, तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया, और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर होता है। जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार कहां पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं, फिर वहां पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। अच्छा पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहां धरी। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता सारा। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहाँ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, और मायावाद का खंडन कर कहा पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुण पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? 10 दिन तक जीवात्मा। और 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है, और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में, जो 12 दिन होते हैं तब कराते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जन के। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा मायावाद का खंडन कर जल भेद ग्रंथ के अंदर। कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए, उसको एकादशी का पुण्य करो, सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं, कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया, इधर भी पिंडदान चल रहा था, उन्होंने भी भोजन बनवाया, पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने, एक कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ
देखो तो सर ही कौआ आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गया। जहां माता पिता का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं? बायर वाले, इंदौर के बायर वाले कोई है? उनका लड़का पूना में है, कह रहे थे हमारे पिताजी आपकी कथा में आए हैं गुरुजी, आज उनका जन्मदिन पे बधाई संदेश आया था हम। अच्छा ठीक ठीक अच्छा, फायर वाले बोले होंगे, हम बायर वाले सुने हैं, राम जी गड़बड़ तो कह रहे थे गुरुजी पिताजी और माताजी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और हम यहीं पर YouTube Facebook पर आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चों को कम से कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन रहे। पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो, ये तो आज के समय में तो और कह दे कहां जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। जब अभी गए थे तो फिर बार बार क्यों जा रहे हो? समझा दो, उधर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज काफी है, बहुत है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के कहने पर भागवत की शरण में आकर बैठ गया, फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है बेटे, क्या कर रहे हैं? सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा, परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित, जन्मय जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के पांच पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के पांच पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मण ब्राह्मणों पर बच्चों को क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहाँ है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहाँ है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा पर सुता अंधेरे में डूबेगा। बहुत विद्वान, बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता है कि उसको सामने वाला अनभिज्ञ नजर आता है। कि मणि उसकी भी अगर प्रखर हो गई अश्वत्थामा जैसी तो उसको सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ दिखेगा, उसको लगेगा इसको कुछ नहीं आता है, ये तो यूं ही हुई थी। उस मणि का प्रकाश देखकर अश्वत्थामा बैठा था एक बार बाहर, विद्वान था, ब्राह्मण का बेटा डाल के बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर में रात को एक उल्लू आ गया, उल्लू उड़ता हुआ आया और उड़ता उड़ता उल्लू पेड़ पर बैठा, पेड़ पर उल्लू ने देखा उसे भी ज्ञान ले गया। इतना विद्वान होकर मस्तक पर मणि लगी हुई थी ज्ञानवर्धक मणि और उस मणि के बल पर अश्वत्थामा उल्लू से ज्ञान लिया कि रात के समय उल्लू ने कौओं को मारा और पेड़ पर खुद बैठ गया तो अश्वत्थामा ने भी रात को जाकर द्रौपदी के पांच पुत्रों का वध कर दिया कि ये दिन में नहीं मर रहा है तो कम से कम रात को तो मरेगा। ये उल्लू से सीखा,
बहुत ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में सत्संग करो, संकीर्तन करो, पर कहां बैठकर करो, किसकी शरणागति में करो, कहां बैठकर सत्संग का स्मरण करना है, यह हमारा शास्त्र बताता है। भागवत जी में यहां तक लिखा हुआ है कि कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए, उसका भी नियम लिखा है। कथा कहां बैठकर सुने उसका भी नियम है। कई लोग कहते हैं आसन पर बैठकर सुनो, कोई कहता है इस पे बैठकर सुनो। यहाँ तो श्री गर्गाचार्य बाबा स्वयं गर्ग संहिता के अंदर लिखा है सत्संग कहाँ बैठकर करना, कथा कहाँ बैठकर सुनना। अगर पहचान वाले के पास में बैठकर सुनोगे, कोई भी बात अच्छी आई तुरंत बात में लग जाओगे, और दुश्मन के पास में बैठ के सुनोगे और जरा सी भी नींद का झोंका आया ऐसी देगी न धर के, सात दिन तक नहीं आएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से पति पत्नी को साथ में बिठाते हैं। क्योंकि एक इंडिया है तो एक चीन है, इसीलिए दोनों को पास में बिठा। पर कभी कभी पतियों को देख के दया भी बहुत आती थी। जी जी ईमानदारी की बात बोलो, बहुत दया है। तो लगा ये मेरी पत्नी आगे है, इसको काट खाएगा, और पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को इस तैयार कौन। पत्नी पीछे खसक गई, कुत्ता और आगे आया, पति पत्नी दोनों पीछे हटे। अब तो पति को लगा ये कुत्ता काट खाएगा, इतने में जैसे ही कुत्ता लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। गोदी में इसलिए उठाया कि मेरे पांव में काट लिया, पर पत्नी को नहीं काटे। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया, जैसे कुत्ता भागा इसने पत्नी को नीचे उतारा। इतने में पत्नी नीचे उतरते सी बोली, तुम में तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान किसी को नहीं दे। बताओ दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। और बेचारे की किस्मत में यश नहीं लिखा तो कई करे, वो करे तो करे। कितना भी अच्छा होता है उल्लू की चिदानंद प्रति लेकर, दीपावली के दिन एक भगत रात को फोन करे, गुरुजी जय श्री कृष्ण, हमने कहा हैप्पी दिवाली, हमने हैप्पी दिवाली। हमने पूछा अभी तक सोए नहीं, नहीं गुरुजी। हमने पूछा क्यों नहीं सोए, हमको तो उल्लू ही नहीं दिखा। तो हमने कहा कहाँ लिखा है पुराण में कि दीपावली के दिन उल्लू देखो। नहीं महाराज जी, हमने उल्लू देख रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठती है। तो हमने सोचा उल्लू एक बार दिख जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी भर आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल अच्छे से देख ले, उल्लू लेके आएगी। अपने यहां दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है, उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता। कौन कौन नहीं होता जम के बोलिए, ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के यहां लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते, गुजरी देखिए वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण, दोनों। क्यों? हिंदू धर्म के अंदर शास्त्र की रीति से हर गज और नारायण क्यों नहीं होते पास में? नारायण ना होने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से कह दी थी, महाराज सबसे प्रबल में, सबसे प्रखर में, मुझसे आपकी सत्ता है। भगवान विष्णु को बुरा लग गया। नारायण बोले लक्ष्मी तू अपने आप में इतनी प्रखर बनती है, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी पूर्ण है नहीं, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा प्रभु तुम मुझे अपूर्ण कर रहे हो। भगवान कह रहे लक्ष्मी हां मैं तुझको अपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि तू अपूर्ण है, तो पूर्ण नहीं। लक्ष्मी को क्रोध आ गया, आंख में आंसू भरकर रोती हुई सरस्वती के पास चली गई। सरस्वती ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया? लक्ष्मी कहती है
मेरे पति मुझे अपूर्ण कहते हैं। पति तो पत्नी का मान करता है, सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, पर मुझे अपूर्ण कर रहा है। मेरा पति मुझको। सरस्वती जी बोली रो मत, चल पार्वती के पास चलते हैं। पार्वती के यहां पहुंचे। पार्वती मैया बैठी थी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा पति मुझे अपूर्ण कर रहा है। सरस्वती ने कहा इसका पति इसको अपूर्ण कर रहा है, कुछ करिए। इतने में पार्वती जी बोलती हैं, काय को चिंता करती है, ले मैं आज तुझे पूर्ण कर देती हूँ। नारी जब अपूर्ण होती है, जब उसकी गोदी में संतान नहीं होती है, इसलिए मैं तुझे पूर्ण करती हूँ। लक्ष्मी की यहाँ संतान नहीं थी, क्योंकि श्राप था भगवान विष्णु को ददीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी। मैं तुझे पूर्ण करता। पार्वती जी ने गणेश जी को गोदी में उसे उठाया, लक्ष्मी की गोद में दे दिया, ले आज से मेरा यह पुत्र तेरा पुत्र होगा और तू पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। महाराज पूर्ण लक्ष्मी, और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दीपावली के दिन नारायण के साथ नहीं गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजा जाता है। पूर्ण लक्ष्मी, ये पूर्ण बने, पूर्णता। भगवान गणेश जी मार, सरस्वती का पूजन इसलिए होता है क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती क्या लेकर गया, बुद्धि के लिए उसका पूजन। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, देखा है फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है, गणेश और तीनों, तीनों बिना गणेश के लक्ष्मी का पूजन पूर्णता में हो। अब द्रौपदी के पांच पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने मार दिया, प्राण छूट गए। द्रौपदी रोती, पुकार पड़ी, भगवान के आवाज लगाई। भगवान उठकर भीम और अर्जुन से बोले, तुम जाओ जरा देखो द्रौपदी क्यों रो रही है, जाइए। पूछा क्यों रो रही, मेरे पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्र को मारा, द्रौपदी को पुत्र मर गए उसका गम नहीं है। द्रौपदी को गम इस बात का है, देखो पांडवों के पुत्र मरे थे तो दो बहुत रोए थे, एक दुर्योधन बहुत रोया था, एक द्रौपदी बहुत रोई थी। तो दुर्योधन से पूछा अश्वत्थामा ने, पांडवों के पुत्र मर गए तू क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि वो पांडव के पुत्र सो रहे हैं, मैं तो समझा कि पांडव सो रहे हैं, तो तुमने पुत्रों को क्यों मारा? तो अश्वत्थामा कहते क्या हुआ, बाप नहीं मरा बेटा तो मर गया, तो मैं तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो? दुर्योधन कहता रोने का केवल एक कारण है, हम भी मर जाएंगे, हमारे ये पांडव भी मर जाएंगे, कम से कम इन पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो तर्पण और तिलांजलि तो कर देते, उतने में ही हम तर जाते, पर अब वो भी मर गए तो तर्पण तिलांजलि कौन करेगा? देखो ऐसा नहीं है, दुर्योधन समझदार तो था, बस थोड़ी संगत बुरी थी उसकी। समझदार तो था, अगर सही मायने में बताए ना, अगर गांधारी अगर दुर्योधन को संभाल लेती ना और गांधारी कह देती दुर्योधन ये गलत है तो मान जाता। सबसे बड़ा बच्चों को नष्ट करने में, परिवार को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है घर के माता का।
माँ अगर प्रखर हो जाए, कई माताएं रोती हैं आंख में आंसू भर भर कर, एक वो मिली थी कहीं मुंबई में कथा में, कह रही थी गुरुजी हमारा बेटा बहु हमको बहुत प्राण दे रहे, हम कहाँ करें, हाथ उठा ले रहे कहाँ जाए, जाए तो बहू कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कपड़े फाड़ कर कहती है कि मैं थाने में चली जाऊंगी कि मेरी सास मुझे जहर पिला रही है, मार रही है, उल्टा हम फंसे जा रहे हैं, क्या करें। हमने कहा कुछ मत करो, त्याग करो, चलो भजन बोलो ही। ऐसी कैसी भीड़ पड़ी है वृद्धाश्रम में बुड्ढों की, पहले नहीं थी अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वृद्धाश्रम में पलंग कम पड़ रहा है महाराज, इतने बुढ़े लोग आ रहे हैं, इतने। अभी कल का मैं मैसेज, अभी मोबाइल लाया नहीं, कल का एक मैसेज दिखाऊंगा, यही सोनीपत के पास में से एक भाई ने मैसेज लिखकर भेजा, गुरुजी एक बूढ़ी माँ मिली है, बेटा माँ को तीर्थ कहीं कोई इधर कोई तीर्थ है कुरुक्षेत्र आदि में घुमाने के लिए लाया था, छोड़कर बस अड्डे पे कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, इस बस में बैठो, और माँ को बिठाकर बच्चे गाड़ी लेकर चले गए। माँ बस में नीचे उतर कर बच्चों को ढूंढती फिरी, दो दिन हो गए उसको ढूंढती ढूंढती, पागल जैसी लोग पत्थर मार रहे हैं। तब उस माँ से पूछा तो इधर उधर ढूंढ रही है, पड़ी हुई है स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, क्या हुआ? मेरा बेटा कहकर गया था बस में बैठो, मैं आ रहा हूँ, चलेंगे, और चले गया, मिल नहीं रहा, फोन लगा रहा है उठा नहीं रहा। बड़ी बुरी दशा है, बड़ी बुरी दशा। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप कहते हो कि वृद्धाश्रम भारत की भूमि पर कलंक है, क्योंकि माता पिता की लोग सेवा नहीं कर पा रहे, कलंक ही माना जाएगा, और आप खुद वृद्धाश्रम बना रहे हो। बस केवल बनाने का एक ही कारण है कि इनका गति क्या होगी, इनकी अवस्था क्या है। कम से कम मंदिर में भजन करेंगे, दो रोटी खाएंगे, भगवत नाम तो जपेंगे, अवस्था बहुत कठिन है महाराज। फिर कहूंगा संत बनना सरल, साधु बनना सरल, पर गृहस्थी बनना कठिन है महाराज। पूरा जिंदगी नोच नोच कर दे दिया जाता है, और आखिरी में भी कोई सुख का अनुभव नहीं होता। बहुत किस्मत वाले हो आप सब, बहुत किस्मत वाले हो। सुखदेव जी महाराज से विनती करना, आप जैसी किस्मत सबको दे, आपके बहु बेटा बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप कथा में बैठे हो, साहब सत्संग सुन रहे, बहुत किस्मत वाले, भगवान अच्छे, बहुत भाग्य। सत्संग में रुचि तो बने, और फिर निवेदन है माताओं भाइयों, बुढ़ापा शरीर जब होता चले जाए, मुख को मौन करना प्रारंभ कर लो, चुप रहो, बोलोगे नहीं सुनेंगे तो दुख तुमको होगा, तो क्या किसको रोइए चादर तान के सोई, अपने को नहीं बोलो, बहुत मस्त, बहुत मस्त। और तीर्थ में कथा में आए हो ना, बहुत प्रसन्न रहना, जिंदगी का सारा सुख आपको मिल गया, ऐसे आनंद में रहना, मुख उतार कर नहीं, दुख भी होगा ना तो प्रसन्न रहना। सुखदेव जी महाराज भी कहेंगे मेरे घाट पर आकर इतनी खुश है, घर में जाती है इतनी दुखी रहती है, जा आज से तो खुश ही रहना, भगवान भी प्रसन्न कर कर भेज देगा आपको, दुखी ना, दुख का अनुभव ना होगा। लोग हमसे कहते महाराज जी 2100 रुपए, वन मेंबर 2100 रुपए लिया, 100 सवा 100 लोग आप आए हो, कितने रुपए लिया है? 2100 रुपए। 2100 में आपका ठहरना, खाना, चाय, नाश्ता, भोजन, आनंद, ये सब आपका 2100 में। मेरे को कल वो बोल रहे थे, यहाँ पर कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, एक एक पोथी का 21,000 था, अभी एक महाराज कथा करके गए, और उसमें वन मेंबर चार्ज,
और लोग तो भी भूख से बलबला रहे थे, खाना तक नहीं मिल पा रहा था। तो 2100 में पूर्ति कैसे होती होगी कि 2100 में लोग यूं थूक कर छोड़ जाते हैं, 2100 में 7 दिन रहना कहते हो तो वो 21,000 के बराबर हो जाता है। कराने वाला ठाकुर जी बैठा है, सब कराता है। आप जो देते हो दान सहयोग जो मिलता है, आप लोगों की पूर्ति में आपकी पूर्ति हो जाती है। करना क्या है, हमको कौन सा जोड़ के मरना है? हम खुद कहते हैं पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर जाना, सब कहीं डब्बे में शेयर मार्केट में चूना लगा दे, कहीं इसके लिए छोड़ रहे। अगर आपने कुछ दिया है तो आपको समर्पित कर कर जाएंगे, क्योंकि हमको ले जाकर यहां से बोझा ढोकर थोड़ी ना जाना है। यहाँ से अगली कथा राम कथा मां कथा करेंगे, फिर आगे बेंगलोर निकल जाएंगे। कथाएं निरंतर करना क्या है, अपन बात कर रहे थे कि कई लोगों का व्रत है। उस दिन एकादशी पड़ गई थी शायद, एकादशी का व्रत चल रहा था, तो एकादशी है और ऐसा है और वैसा है, तो अब जीवड़ा कर रहा खा लूं, एक मन कर रहा एकादशी है खाऊं नहीं खाऊं, मन कर। शास्त्र कहता है भगवान खुद कहते हैं खूब चरो पर एकादशी करो, मुख उतार कर नहीं खूब। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं आधा किलो चिप्स तल के रख लो, मूंगफली का दाना चक्की सब बना के रखो, फ्रिज के कूलर पे वॉशिंग मशीन पे जहां से निकलो वहीं चरो, एकादशी करो खूब खाओ भूखे रहकर नहीं। और यहां भी निवेदन है, नाश्ता भी करना तो ऐसे मत करना कि कोई कमी हो, तुम तो खूब डट के निपटाओ। कितना खाओ उतना जितना पचा सकते हो, और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपच्य हो जाएगा, परेशानी तुम्हारी बढ़ जाएगी, और ज्यादा कमाओगे लोगों की दृष्टि में आ जाएगा तो इनकम टैक्स वाला घर पहुंच जाएगा। तो हम तो कई कई पैसे वालों के यहाँ जाते ना कथा करने के लिए, तो हम यही देखते हैं कि बेचारे कमा किसके लिए रहे। बहुत पैसे वाले व्यक्ति इतना कमाते, इतना कमा व्यक्ति इसीलिए कमा रहा है क्योंकि इनको देना है, खुद के लिए नहीं कमा रहा, इनके लिए कमा रहा है। कमाएगा इनको देता जाएगा, तो इससे तो भैया कम कमाओ। पति पूछ मां प्रेम परोसती है, और आज के समय में नारी भोजन पति कर रहा है तब समस्या परोसती है। बच्चे वहां गए थे, ऐसा हो गया भाई दो रोटी खा ले देरी लीला भाई दो रोटी, वो प्रेम से खा लेगा उसको सुकून का अनुभव होगा। महाराज पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भयो ना कोई, प्रेम आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। हम प्रेम की भाषा को समझे, माता पिता के अनुमोदन को समझे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया, अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया, दुर्योधन भी रोया क्यों, परिवार वाले जीवित रहते तो तिलांजलि करते। द्रौपदी भी रोई क्यों, क्योंकि मेरे पुत्र पलंग पर सोते हुए मर गए, इनको तो युद्ध के मैदान में मरना था, तो मैं प्रसन्न हो। राम कथा में लिखा है दशरथ जी के मरने पर भरत जी खूब रोए, गुरु बाबा ने कहा किसके लिए रो रहे हो, तुम्हारे पिता चले गए उसके लिए। तो गुरु जी का नेमिसरण कथा, हरिद्वार कथा, जगन्नाथ कथा, ऐसी कौन सी कथा है जो छोड़ी हो उन्होंने, खूब सुनी, और बच्चों में भी वो संस्कार दिए कि सुनो कथा में अग्रण्य रहो, और पति से भी कहती थी करते रहो। भजन करो सत्संग करो, पर संसार में आकर भटकना नहीं। कहे ना हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए,
लेना था प्रभु नाम और हम, बोलो बोलो, और हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला। अश्वत्थामा को पकड़कर खड़ा करा, द्रौपदी से कहा इसके मस्तक पर मणि है, तलवार ले द्रौपदी, निकाल दे, इसका शीश काट दे। पहले अश्वत्थामा को मारने का विचार किया भीम और अर्जुन ने, मार तलवार लेके काट सी। द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है मैं इसका शीश नहीं काट सकती है, मैं ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र। तो द्रौपदी जब बोली तो भीम ने कहा कर्म तो बुरा करा है, बहुत ध्यान रखना साहब इस कथा में, सारे तीर्थों से हटकर कथा चल रही है, बहुत ध्यान रखना। एक व्यक्ति कह रहा था कि हम गंगा के घाट पर रह रहे हैं, हम गंगा नहीं नहाए तो भी हम बैकुंठ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बोलो जमके? बैकुंठ। जब मरा तो गरुण पुराण में जो 94 नरक लिखे हैं, सारे नरकों में जाकर गिरा, सारे नरकों में। तो उसने जाकर वहां पर हड़ताल कर दी कि हम तो गंगा के घाट पे रहते थे, फिर हमें नरक क्यों पटका? तो धर्मराज ने कहा तेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, गंगा के घाट पे रहकर भी कभी गंगा नहीं नहाया तो तेरे बराबर का पापी कौन सा? नरक पटक। बहुत ध्यान रखो, एक तीर्थ में रहने वाला व्यक्ति और एक तीर्थ में आने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान रखना, एक तीर्थ में रहने वाला और एक तीर्थ में आने वाला, दोनों में सबसे ज्यादा पुण्य का भागी कौन होता है? बोलो बोलो जरा जम के बोलो, और नहीं तो घर जाकर गर्द संहिता पढ़ो। कौन है सबसे ज्यादा पुण्य भागी? जो तीर्थ में आया है, जो रह रहा है वो नहीं। क्यों? क्योंकि वो रह रहा है तो रहते रहते उससे ना जाने कितनी बार झूठ भी बोलने में आएगा, ना जाने कितनी बार कपट करने में आएगा, ना जाने कितनी बार बेईमानी कर जाएगा, ना जाने कितनी बार इस भूमि पर रहकर पाप कर जाएगा। तो वो तो रहकर भी नरक चले जाएगा। और एक आप भले अपने शहर में कैसे भी रहते हो पर तीर्थ में आकर आप पाप नहीं कर सकते, आपके मन में थोड़ा थोड़ा पुण्य जागृत रहेगा। भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, सत्संग करोगे तो कम से कम जितनी दिन रहोगे उतनी दिन थोड़ा थोड़ा पुण्य तो कर लोगे, पुण्य भाग तो करोगे। पर वही वाली बात हो गई ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए। माना था हरि
सार बस माना था हरि नाम ही है सार बस माना था हरि नाम ही है सार बस माना था हरि नाम ही है सार बस नाम के बिन जिंदगी हम हो गए नाम के बिन जिंदगी हम तेरी दुनिया में आकर हो गए हम तेरी दुनिया में आकर हो गए लेना था हरि नाम और हम सो लेना था हरि नाम और हम सो गए लेना था हरि नाम और हम मनुष्य शरीर का सर भी हम सुख का अनुभव करें। द्रौपदी ने कहा इसका सिर नहीं काटना ब्राह्मण का पुत्र है क्या करा जाए मस्तक पे से मणि निकाल ली जाए महाराज मणि निकालो सिर की मणि बस यही ज्ञान वर्धक मणि जो मनुष्य के मस्तक पर होती है जिससे वो हर व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है उस मणि को परमात्मा निकाल लेता है। अभिमान अहंकार अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस तीनों चले गए धन भी गया वैभव भी गया वंश भी गया रावण भी गया कौरव भी गया और महाराज बुधवार के दिन कृष्ण पैदा हुए थे जन्म लिए थे और गुरुवार के दिन रावण पैदा हुआ था एक ही दिन है एक बुधवार को जन्मा था एक गुरुवार एक अष्टमी को एक त्रयोदशी एक दोपहर के बारह रात के 12 बजे हुआ तो दूसरा दोपहर के 2:30 बजे पैदा हुआ एक जन्मे तो सुख अमृत बरस रहा था दूसरा जन्मा तो गधे रो रहे थे चिंगार अनुभव था मनुष्य शरीर अश्वत्थामा के मस्तक की मणि गई मणि निकाल फेंकी क्रोध आया अश्वत्थामा को उत्तरा के गर्व को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा भागी भगवान के चरणों में विनती करी गर्भ में बालक था उसकी परमात्मा ने रक्षा करी। सोचो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तेरा जन्म नहीं होता उससे पहले तेरे भोजन की व्यवस्था कर देता हूं माँ के गर्भ में तू पड़ा रहता है और माँ के स्तनों में दूध दे देता हूं। और कई लोग कहते हैं हमें बड़ी चिंता है काई की चिंता कर वो तो खुद कह रहा है जन्म मैंने दिया तो मृत्यु भी मैं दूंगा जन्म के समय पर भोजन मैंने दिया तो मरने के समय पर कफन और लकड़ी भी मैं ही दूंगा तू काहे को चिंता करता है। महाराज एक एक व्यक्ति का फोन आकर कहे महाराज जी घर में बेटा होना जरूरी है हमने पूछा क्यों क्यों जरूरी है कि एक महाराज जी के प्रवचन सुने थे उस प्रवचन में कहा था कि पुत्र होता है तो बाप तरता है हमने कहा महाराज जी ने गलत कहा पुत्र होता है तो खुपड़िया ही फोड़ता है आखिरी तक नहीं छोड़ता है कौन अरे बोलो तो बेटा बाप मरेगा मां मरेगी चिता पर लिटाएंगे आधी जलेगी नी जलेगी बांस में लोटा बांध के कहेंगे फोड़ दे खुपड़िया तेरे मां बाप की तोड़
गलत फहमी में मत रहो। लोग कह रहे हैं बेटा तर्पण करेगा, तिलांजलि देगा तो बाप तरेगा। किसी से ऐसा मत लगाओ जीजियों, तुम तो खुद अपना भजन करते हुए अच्छे से चलो, ना बेटे की जरूरत पड़े ना बेटी की पड़े। अपनी एकादशी खुद करके चलो, बाद में बेटा दे बहू दे परिवार वाले दे इनसे चक्कर में मत पड़ना। ये देंगे बारहवें में तो दसवें के दिन तुम जाओगी तो कौन की एकादशी काम आएगी? बोलो, अरे बोलो जम के, कौन की एकादशी काम आएगी जो तुम्हारी करी हुई? ये बारहवें में भोजन कराएंगे बामन को, और तुम्हारा भोजन जब तुम दसवें के दिन जाओगी तो भोजन कौन देगा? बोलो, जो तुमने भोजन कराया ब्राह्मणों को, जो जिमाया तुमने सुक्ताल में आके, जो दान करा पुण्य करा सत्कर्म, वो काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो तो सरी, अब क्यों चुप रह रहे हो? हनुमान जी से भी पूछा था क्यों चुप हो, बोलो तुम भी बोलो, बोलो काम आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर अब बेटे का इंतजार करो ना, बेटा तर्पण देगा ना, अभी वो अखबार पढ़ना है तुम फेसबुक के निकाल के, एक बेचारी अहमदाबाद में डोकरी मरी तो बेटी को फोन करा पूना कि आ जाओ माँ मर गई, तो क्या अभी मेरे बच्चों की एग्जाम चल रही मैं नहीं आ सकती। बेटे को फोन करा अमेरिका, तुम्हारी माँ मर गई आ जाइए। पड़ोसियों ने फोन करा नहीं आए, ऑनलाइन अंतिम संस्कार कराया गया, ऑनलाइन अंतिम संस्कार। तो क्या भरोसे पे रहो? और तीन दिन नहीं हुए बुढ़िया को मरे, अंतिम संस्कार ऑनलाइन कराया। तीसरे दिन पूना से बेटी भी पहुंच गई, अमेरिका से बेटा भी पहुंच गया। दसवां भी नहीं करा, पांचवे दिन पूरी जमीन जायदाद बेच दी, दोनों ने बांट लिया, अपने अपने घर चल दिए। सीता राम हो गया। किसका बात? इसलिए फिर निवेदन है, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।